ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम के बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं। हमने न्यूज में कई बार सुना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल्स में इंक्रीज आ रहा है। तो क्या होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी धरती के सारे पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो जाएं? तो क्या धरती के सारे लैंडमास पानी के नीचे आ जाएंगे, और क्या ऐसी कंडीशंस में हम ह्यूमन सर्वाइव कर पाएंगे? हमारी धरती का 70% ऑफ द सरफेस ओशन सीज एक्सेट्रा से कवर्ड है। अर्थ के पोल्स पे आइस का एक कवर है जिन्हें हम पोलर आइस कैप्स कहते हैं। आर्कटिक ओशन जो कि नॉर्थ पोल के अराउंड है वह एक आइस का ओशन है। यह आइस शीट 3 to 4 meters थिक है और 9 to 12 million स्क्वायर किलोमीटर जितने बड़े एरिया में फैली हुई है। नॉर्थ पोल के क्लोज ग्रीनलैंड में भी काफी बड़े ग्लेशियर्स हैं। इन ग्लेशियर्स में मौजूद आइस का एरिया 1.71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें मौजूद आइस का वॉल्यूम 2.26 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। साउथ पोल के अराउंड अंटार्कटिका का पूरा कॉन्टिनेंट आइस और ग्लेशियर से बना हुआ है। यह आइस 14.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और इस कॉन्टिनेंट में मौजूद आइस का पूरा वॉल्यूम 25 to 30 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स है। अर्थ के पूरे फ्रेश वाटर रिजर्व का 70% अंटार्कटिका में आइस शीट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो क्या होगा अगर यह सारी आइस एक साथ ही अचानक मेल्ट हो जाए? तो पिछले 100 इयर्स में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर्स में स्टेडली इंक्रीज होते रहा है और इस पीरियड के दौरान टेम्परेचर्स में 0.5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज आया है। अब टेम्परेचर में यह चेंज बहुत ही मामूली सा लग रहा होगा, लेकिन इस टेम्परेचर में आए चेंज की वजह से सी लेवल्स में 15 टू 20 सेंटीमीटर्स का इंक्रीज आया है। अगर टेम्परेचर्स में ऐसे ही इंक्रीज होता रहा तो फिर सबसे पहले वह आइस शीट्स और आइसबर्ग्स मेल्ट होंगे जो कि सीज या ओशंस में फ्लोट कर रहे हैं। बट इन आइस शीट्स और आइसबर्ग से हमें ज्यादा डेंजर नहीं है। इन आइस शीट्स का 90% ऑफ द मास ओशन के वाटर के नीचे होता है। इन्होंने ऑलरेडी अपने मास के इक्विवेलेंट वाटर को डिस्प्लेस करके ओशंस के लेवल को इंक्रीज कर दिया है। तो अगर बाकी बचा हुआ 10% ऑफ द मास भी मेल्ट हो जाए तो भी वह ओशंस के लेवल में बहुत ज्यादा चेंज नहीं लाएगा। हमें ज्यादा खतरा उन आइस शीट्स और ग्लेशियर्स से है जो कि अभी लैंड पे हैं और मेल्ट करके ओशंस में मिल सकते हैं। हमारी अर्थ का सबसे बड़ा आइस शीट है थ्वेट्स ग्लेशियर जो कि अंटार्कटिका में है। इस ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। इस ग्लेशियर का टोटल एरिया 120,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यह एरिया एक बड़े स्टेट जैसे कि तमिलनाडु के ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर थ्वेट्स ग्लेशियर पूरी तरह से मेल्ट होके ओशंस में मिल जाए तो ग्लोबली ओशंस के लेवल्स में 65 सेंटीमीटर का इंक्रीज आएगा। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक भी लें तब भी यह ग्लेशियर अगले 150 ईयर्स में पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। इस ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से कई सारे आइलैंड्स जैसे कि मालदीव्स पूरी तरह से पानी में सबमर्ज्ड हो जाएंगे। और यह थ्वेट्स ग्लेशियर पूरी अंटार्कटिका की आइस शीट का बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। अगर अंटार्कटिका में प्रेजेंट सारी आइस शीट्स और ग्लेशियर्स एक साथ मेल्ट हो जाए तो इनकी वजह से ग्लोबली ओशंस और सीज के लेवल में 61 मीटर्स या 200 फीट का इंक्रीज आ जाएगा। अभी के लिए अंटार्कटिका का टेम्परेचर ऐसा होने नहीं देता, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी स्पीड से बढ़ती रही तो अगले 200 टू 800 इयर्स में अंटार्कटिकन आइस शीट पूरी तरह से मेल्ट होकर ओशंस और सीज में मिल जाएगी। अंटार्कटिका के ऑपोजिट एंड पे है आर्कटिक ओशन और आर्कटिक ओशन के पास है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में प्रेजेंट ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से ओशंस के लेवल्स में इंक्रीज होने का एक और बड़ा डेंजर है। ग्रीनलैंड के अगर सारे ग्लेशियर्स एक साथ मेल्ट हो जाएं तो इसकी वजह से ओशंस और सीज का लेवल 7 मीटर्स या 23 फीट से इंक्रीज हो जाएगा। जब हमारी धरती के पोलर आइस कैप्स पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगे तो हमारा वर्ल्ड मैप भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इंडिया के कोस्टल एरियाज में पानी भर जाएगा और कोस्ट पे रहने वाले लोगों को अंदर की तरफ माइग्रेट करना पड़ेगा। अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में वाटर लेवल्स के इंक्रीज होने की वजह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑलमोस्ट पूरी तरह से ही पानी में डूब जाएंगे, कुछ माउंटेन्स को छोड़ के। बे ऑफ बंगाल में वाटर लेवल्स के इंक्रीज होने की वजह से
बांग्लादेश, जिनका की एवरेज एलिवेशन सी से काफी कम है, वो पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादातर आइलैंड नेशंस भी पूरी तरह से ओशंस के नीचे आ जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका में फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स पानी में डूब जाएंगे और साउथ अमेरिका में अमेज़न और पैराग्वे रिवर बेसिन्स अटलांटिक ओशन का पार्ट बन जाएंगे। साउथ अमेरिका में उरुग्वे पूरी तरह से पानी के नीचे आ जाएगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ज्यादातर अनटच्ड ही रहेगा। नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी के लेवल्स में इंक्रीज होने की वजह से कुछ एरियाज में फ्लड आ जाएगा, स्पेशली इजिप्ट में, जैसे कि कायरो। लेकिन बाकी ज्यादातर कॉन्टिनेंट अनटच्ड ही रहेगा। फिर भी टेम्परेचर्स में इंक्रीज की वजह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के काफी बड़े पोर्शंस डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यूरोप में नेदरलैंड्स पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा और डेनमार्क का साइज हाफ हो जाएगा। फेमस सिटीज और प्लेसेस जैसे कि वेनिस एड्रियाटिक सी में डूब जाएगा और इंग्लैंड इंग्लिश चैनल में। चाइना के कोस्ट का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन ओशंस कैप्चर कर लेंगे, जहां पे अभी 600 मिलियन लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट भी वॉश ऑफ हो जाएगी, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की 80% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक नया सी बन जाएगा ग्राउंड वाटर के लेवल्स के इंक्रीज होने की वजह से। इसी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, जो कि राइजिंग ओशंस की प्रॉब्लम को और ज्यादा डेंजरस बना देगी। आर्कटिक ओशन के नीचे काफी सारा मीथेन इकट्ठा है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग आर्कटिक ओशन के नीचे 30,000 to 90,000 गीगाटन्स मीथेन है। आइस के मेल्ट होने पे यह सारी मीथेन एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 10 टाइम ज्यादा एफिशिएंट है हीट को कैप्चर करने में। मीथेन की इतनी ज्यादा क्वांटिटी ग्लोबल टेम्परेचर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगी। टेम्परेचर्स में इंक्रीज की वजह से ग्लोबल वेदर के पैटर्न्स पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। कई सारी जगहों पे बहुत ज्यादा बारिश होगी, जहां कभी बारिश ही नहीं होती थी, और कॉन्टिनेंट्स के बीच में डेजर्ट्स और एरिड एरियाज बन जाएंगे। बहुत सारे एनिमल्स इन चेंजेस से कोप अप नहीं कर पाएंगे और वे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हम ह्यूमंस की भी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। यह सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है अभी के लिए, लेकिन अगर हमने ग्लोबल टेम्परेचर्स में इंक्रीज पर ब्रेक नहीं लगाया तो यह हाइपोथेटिकल सिचुएशन कभी भी रियलिटी बन सकती है। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिंग टू सेव आवर प्लैनेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।